अंधास्त्र। माता, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ धुंधला पड़ गया, हम कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए माता। कर लो, जो भी प्रयास करना चाहती हो कर लो। अन्य सभी अस्त्र भी इसके सामने असफल होंगे। इनके अस्त्र असफल नहीं हुए। नमस्तस्यै नमो नमः। चक्षुमत् शस्त्र मेरा अंधास्त्र कैसे नष्ट हो गया? श्री माता ललिता की जय, माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय। प्राण भरो जय ललिता, जयकार तेरी अब भंडासुर संहार करो। अभी तो तुम्हारी दृष्टि बस धुंधली हुई थी, इसीलिए अपना लक्ष्य साध सकी, किंतु अब जो अंधकार उत्पन्न करूंगा उससे पार पाकर अपने प्रहार से मेरे अस्त्र को कैसे नष्ट करोगे? अनामिस्त्र अस्त्र। अब मेरे अंधकारी अनामिस्त्र अस्त्र को ना तुम देख सकोगी और ना ही उसका सर्वनाश कर सकोगी। इस अंधकार का लाभ उठाते हुए मैं दो और शक्तिशाली शस्त्रों का प्रयोग करूंगा। रोगास्त्र, आयुर्नाशन अस्त्र। Ha 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 ha
माता, भंडासुर ने तो एक साथ तीनों आसुरी महाअस्त्रों का प्रयोग किया है। अनामिश्र अस्त्र असुर के कारण सृष्टि में बढ़ता अंधकार संकट उत्पन्न कर रहा है। रोगास्त्र असुर अनेक रोगों से सभी को ग्रस्त कर रहा है और आयुर्नाशन असुर के कारण आयु बढ़ने से सभी देवियों पर संकट छाया है। अब तुम कुछ भी कर लो देवी, किंतु ना तुम अपनी सृष्टि को बचा सकती हो और ना ही अपनी सेना को। ओम शब्द भेदी अस्त्र। अच्छा किया जो अंधकार को मिटा दिया तुमने। अब तुम्हें अपनी इन देवियों की दुर्दशा देखने का अवसर तो प्राप्त होगा, क्योंकि मेरा रोगास्त्र इन सब का अंत करेगा। और जो शेष रह जाएंगे वो वृद्धावस्था से नहीं बच पाएंगे। इस अस्त्र के प्रभाव से इन देवियों की युवावस्था वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाएगी। समस्या है तो उसका समाधान भी है, इसीलिए अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है भंडासुर। रोग है तो उसका उपचार भी है, तो करके देख लो उपचार। अच्युतान गोविंद नमोच्चारण भेषचार नश्चन्ति शक्ला रोगा सत्यम सत्यम वदायहम्। निरोग कैसे हो रही है? आज भंडासुर को ही नहीं समस्त जगत को ज्ञात होगा कि हर जीव के प्रत्येक अंग में एक देवी का वास है, और जो देवी माता का स्मरण करते हुए अच्युत अनंत गोविंद मंत्र का जाप करेंगे वो अपने रोगों से अवश्य मुक्त होंगे। मेरे अंधकार को तुम्हारे प्रकाश ने निगल लिया, रोगों को तुम्हारे उपचार ने मिटा दिया। क्योंकि वृद्धावस्था से बचाने का कोई उपाय तो तुम्हारे पास भी नहीं है। युवा अवस्था तो जीवन का मात्र एक चरण है जो केवल देह को प्रवाहित करता है, किंतु वो आत्मा जो अनंत काल से जीवन और मृत्यु के चक्रों को पार कर चुकी है वो तो आयु के किसी भी चरण से परे है, और जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास होता है वो कभी भी वृद्ध नहीं होता है। कषणी अस्त्र।
दर्शन अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। अभी भी समय है भंडासुर, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की शक्ति को पहचान कर उनसे एक क्षमा याचना कर लो, बन जाओ उनके शरणागत। शक्ति पराशक्ति बहुत सुन चुका हूँ मैं, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्ति पर देवियों, तो लो मैं तुम्हारी शक्ति को ही मिटा देता हूँ। शक्ति नाश अस्त्र। मूर्ख भंडासुर, तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट करने के लिए तो मात्र ओम शब्द का उच्चारण ही पर्याप्त है। ओम से उत्सर्जित तरंगों से ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है, भीतर बाहर और सभी दिशाओं में सार्थक ऊर्जा का विस्तार करती है। तुम तो अपने अस्त्र से मात्र शरीर की शक्ति छीन सकते हो, किंतु ओम शब्द के उच्चारण से प्रबल होने वाले आंतरिक आत्मबल को नहीं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी भंडासुर कि दुमाता पराशक्ति की शक्ति का उदाहरण स्वयं तुम्हारे सामने है, मात्र उनकी दृष्टि से तुम्हारा अस्त्र नष्ट हो गया। पाखंडास्त्र, भयास्त्र, सर्वस्मृति अस्त्र, पाखंड अस्त्र को नष्ट करो। पाखंड का अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश उसे दूर कर ही देता है। धर्म अस्त्र, भय अस्त्र का नाश करो। जहाँ धर्म होगा वहाँ भय नहीं हो सकता। इंद्रास्त्र, मिटा दो सर्व स्मृति अस्त्र को। युद्ध क्रीड़ा, इस युद्ध का आरंभ मैंने किया था अपने अंत का अस्त्र से।
तुम्हारे साथ इस युद्ध का अंत भी मैं ही करूंगा। अंतकास्त्र। आश्चर्य, यमराज का आवाहन किया है इस अस्त्र ने। तुमने मेरे आसुरी अस्त्रों को नष्ट करने में कोई विलंब नहीं किया था ना? तो अब देखो, सभी ब्रह्मांडों के यमराज, तुम सभी के प्राण हरने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। इन्हें कैसे रोकोगी तुम? भंडासुर उचित कहता है, यमराज के पाश को रोकना विधि के विधान का उल्लंघन होगा, जो माता कभी नहीं करेंगी, और यमराज का अंत कर उन्हें रोकना तो और भी अनुचित होगा। इस अस्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए माता अब किस अस्त्र का संधान करेंगी? दुष्ट भंडासुर का ये कपट कहीं माता को भी दुविधा में डालने में सफल ना हो जाए। भंडासुर ने अंतकास्त्र का आवाहन कर इस युद्ध को अपने पक्ष में निर्णायक मोड़ पर ले ही आया। अब हम तो क्या, त्रिदेव और त्रिदेविया भी इस अस्त्र के प्रभाव को रोक नहीं सकते, क्योंकि मर्यादा में हम देवता ही नहीं, सभी यमराज भी हैं, जो इस अंतकास्त्र के प्रभाव के कारण इस दुष्ट भंडासुर के वश में है। नियम, मर्यादा और धर्म का पालन दुर्बल बनाकर पराजय का ही पुरस्कार देता है। आज समस्त संसार देखेगा कि किस प्रकार नियमों और मर्यादा के बंधन में बंधे उनकी देवी पराशक्ति भी पराजय का ही पुरस्कार पाती है। इसीलिए अपनी जय के लिए कुछ नियम भंग भी होते हैं तो होने दो, इतना तो। स्वरक्षा और अन्य लाभ के लिए कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन हो चलता है। अनेकों बार अपनी अधर्म की सेना को पराजित होते हुए देखने के बाद भी इस दुष्ट का यही विश्वास है कि सब चलता है, क्योंकि ये युद्ध जिसे ये अधर्म की विजय का उदाहरण बनाना चाह रहा है वो उदाहरण बनेगा अवश्य, किंतु इसका कि चलता है का भाव किसी को आरंभ में कुछ लाभ अवश्य दे सकता है, किंतु अंत में सबको अच्छा या बुरा फल अपने कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। Thank you.
सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। महादेव यहाँ कहाँ से आ गए और इनके यहाँ आने से मेरे अंतकस्त्र का प्रभाव क्यों रुक गया? मेरा अंतकस्त्र उसका प्रभाव कैसे नष्ट हो सकता है? प्रणाम महादेव। प्रभु, इस शस्त्र से प्रभावित होकर हमने माता पर फांस साधने का दुस्साहस किया, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। माता, आप तो करुणा और दया की देवी हैं, आप तो हमारी विवशता जानती है माता। भूल हो गई हमसे माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए माता। अरुणाम कर्णाम तरंगिणीं ताक्षीं कृतपाशां कुशपुष्पबाण चापां अणिमादिभिः रावितां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी। ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत् श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य देवकार्य समुद्यता। अपनी भूल स्वीकार करने वाले क्षमा के पात्र होते हैं, इसलिए मैं आप सभी को क्षमा करता हूं। किंतु आप सभी यहां से प्रस्थान कीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। धर्म की छांव का लाभ उठाकर तूने अधर्म का पौधा रोपा, इससे घृणित कुछ भी नहीं, यहां तक कि अपने सृजन को विवश किया, जिससे तुम्हारी रक्षा हेतु मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। किंतु हे मूर्ख ज्ञानी, मेरे रोम रोम से लेके सृष्टि के कण कण में उन्हीं का वास है। संपूर्ण शक्ति के स्रोत के विरुद्ध ऐसी कौन सी शक्ति का प्रयोग करोगे तुम? तुम्हारे पापों का दंड मैं तुम्हें अभी भी दे सकता हूं, किंतु तुम्हारी नियति यही है, तुम्हारे सभी महापापों का महादंड देवी ललिता ही देंगी, देवी ललिता ही देंगी, देवी ललिता ही देंगी। मेरे शत्रु, देवी पराशक्ति के प्रति आपके स्नेह ने ही, आपके कुपित होने पर ही आपको मुझे दंडित करने से रोक दिया, किंतु मैं पंडासुर स्नेह प्रेम इन सभी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हूं।
अब ये केरे प्रकारे किसी भी प्रकार इस देवी पर विजय अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। देवी, मेरे अंतक अस्त्र के अंत का बहुत भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। अपने मंत्रों से तुमने मेरे अस्त्र को नष्ट किया है ना, तो तब क्या करोगी जब कोई मंत्र ही नहीं रहेगा? ईश्वर के ही समान सनातन मंत्र तो देवी शक्तियों के प्रतीक हैं। ईश्वर जब स्वयं प्रकट नहीं होते तो उनके स्थान पर मंत्र ही होते हैं। जैसे मैं सृष्टि के कण कण में हूं और सदा रहूंगी, उसी प्रकार सभी मंत्र और उनकी ध्वनि मेरे और सभी दैवी शक्तियों के प्रतीक रहेंगे। उन्हें मिटाना असंभव होगा। असंभव को संभव बनाने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब और मूर्खता मत करो भंडासुर, मंत्रों को हानि पहुंचाने का प्रयास कदापि मत करना। रुक जाओ भंडासुर। मुकास्त मूकास्त्र समस्त संसार को मूक बना देगा। ध्वनि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ना पक्षियों की चहचहाहट रहेगी और ना ही सिंह की गर्जना। ना शांति प्रदान करने वाले वाद्य यंत्रों में कोई स्वर होगा और ना ही चेतावनी देने वाले नगाड़ों का नाद। ना ही ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चारण की वाणी होगी और ना ही हम देवी देवताओं के मुख में। भंडासुर, तुम मुकास्त्र से जो भी करने का प्रयास कर रहे हो वो कदा ये दुष्ट भंडासुर ने कैसा अनर्थ कर दिया। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। स्वामी, ध्वनि की ऊर्जा तो सृष्टि के लिए अनिवार्य है और इस ध्वनि ऊर्जा का स्रोत तो आधारभूत शब्द ओम। आधारभूत शब्द ओम सृष्टि को संतुलित करता है। यदि ओम का नाद शांत हुआ तो सृष्टि में शीघ्र ही ये समस्त संसार अनेक विस्फोटों की श्रृंखला बनकर समाप्त हो जाएगा। फिर मैं भंडासुर स्वयं अपने ब्रह्मांड का निर्माण करूंगा। इतना तो आधारभूत मूल शब्द ओम के साथ सभी ध्वनि को शांत कर इस दुष्ट ने समस्त ब्रह्मांडों को संकट में डाल दिया है, क्योंकि सृष्टि के असंतुलित होने से ग्रह, नक्षत्र और यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी अपने निर्धारित पथ से भटक जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। हमें शीघ्र इस संकट का कोई समाधान ढूंढना होगा। संसार में ध्वनि को लौटाने का क्या उपाय है? ऐसा कौन है जो अन्य स्वर के साथ मूल स्वर ओम को गुंजायमान कर सकता है? ओम
पुनः ध्वनि के संचार और ओम की गूंज के विस्तार का उपाय सूझ गया मुझे। किंतु माता ने तो मुझे यहीं अपने श्री रथ पर रहने का आदेश दिया था, फिर उन तक जाए बिना मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मूषक जी, अब आप ही इस कार्य में मेरी सहायता कर सकते हैं। सर्वत्र होते ये विस्फोट मुझे अपार आनंद दे रहे हैं। बिना बोले मैं कैसे समझाऊं मूषक जी को? आप क्या चाहते हैं प्रभु? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीणा, समझ गया प्रभु। इस महासंकट को दूर करने, इस देवी की सहायता करने आया भी तो कौन? ये तुच्छ मूषक। ऐसी विकट परिस्थिति में मूषक जी यहाँ वहाँ दौड़कर क्या संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या विचार कर रहे हैं? मेरे इस अस्त्र का भला क्या संभव तोड़ हो सकता है? वाक वादिनी अस्त्र। विनाश में अधिक समय शेष नहीं। माता की कृपा से अब इस समस्या का समाधान शीघ्र होना चाहिए। जब संसार से ये समस्त ध्वनि लुप्त हो चुकी है,
तो ये देवी वीणा बजाकर क्या सिद्ध करना चाहती है? इस मुखास्त्र के समक्ष तो देवी सरस्वती की वीणा भी मौत है। देवी, तुम्हारी वीणा सृजन कर सकती है, विनाश को रोक नहीं सकती। संभव है? ये वीणा कोई ध्वनि कैसे उत्पन्न कर सकती है? इस स्वर कौन मिटा दूंगा मैं? बाणों से ही नष्ट कर दूंगा मैं। व्यर्थ हो गया, अब क्या करूं? अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा भंडासुर कि ईश्वर के प्रतीक इन मंत्रों का उच्चारण यदि कठिन हो जाए तो उनको लिखा अवश्य जा सकता है, क्योंकि जितनी शक्ति इनके स्वर में होती है उतनी ही शक्ति इनकी लिखावट में भी होती है। किंतु अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न अवश्य होगा कि तुम्हारे मुखास्त्र को असफल करने का उपाय सूझा किसे? स्वयं तुम्हारे जन्मदाता श्री विघ्नहर्ता गणेश। मेरे विघ्नहर्ता बार बार मेरे विघ्न कर्ता क्यों बन जाते हैं? हे प्रभु, ये आपका कैसा अन्याय है? मैंने सदैव आपकी पूजा की, आपकी अर्चना की, और उसका ये परिणाम दे रहे हैं आप? बार बार मुझे असफल कर आप अपने भक्त की भक्ति का अपमान क्यों कर रहे हैं? भक्ति तुम क्या जानो भंडासुर? परमात्मा के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। उस प्रेम से जुड़ी श्रद्धा भक्ति है। जो तुमने किया वो भक्ति नहीं, स्वार्थ था। और अपने जनदाता के प्रति तुम्हारा आचरण सर्वथा अनुचित था। मेरा आचरण उचित हो या अनुचित, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं। और हां, ये भी सुन लो सभी कि गणेश मेरे जन्मदाता नहीं, अपितु स्वयं मैं ही अपना जन्मदाता हूं। मैं ही अपना जन्मदाता हूं। मैं ही अपना जन्मदाता हूं। जिस गणेश जी को आप लोग बहुत ही बुद्धिमान और चतुर कहते हो, वो तो बहुत ही सरल है और इसी का लाभ उठाया मैंने और विवश किया कि मेरे आकार को साकार करें। इसीलिए मैं ही स्वयं हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही स्वयं हूं, मैं ही ईश्वर हूं। यही नहीं, मैंने अपने जन्म के पश्चात भी अनेकों बार उनका लाभ उठाया है। मोदक के बंधन में बांधकर उन्हें अमरपुर में ही रहने पर विवश कर दिया था मैंने। इतना ही नहीं, जब ये बालिका रश्मि प्रभा को बचाने आए थे, मैंने फिर इनके स्वभाव का लाभ उठाकर इनके सामने से ही रश्मि प्रभा को अपने साथ ले गया। इन वृद्धा के इस अंतिम चरण में तुम प्रभु गणेश जी का आवाहन कर अपने स्थान पर उनसे इन वृद्धा के हाथों खीर खाने का अनुरोध कर सकती हो। इसलिए इन्हें चतुर समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है देवी। भंडासुर, बहुत बोल चुके हो तुम, ये मत भूलो कि गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। ओहो, पुनः वही राग। तो फिर ये बताओ, प्रत्येक बार जब मैंने इनका लाभ उठाया तो गणेश जी ने मुझे रोका क्यों नहीं? यदि वास्तव में ये गणेश जी मुझसे अधिक चतुर हैं, तो स्वीकार करें मेरी चुनौती और मेरे अगले प्रहार को अपनी बुद्धि और चतुराई से रोक कर दिखाएं। कदाचित तुम्हें पराजित होने की अत्यंत शीघ्रता है, इसीलिए गणेश का हस्तक्षेप चाहते हो ना तुम? उचित है, तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है मुझे। तो भंडासुर, अब तुम अपनी संपूर्ण बुद्धि और चतुराई से अपने अस्त्रों का चुनाव कर। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझ कर स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते, मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगा। अब ये युद्ध मात्र गणेश की बुद्धि से ही लड़ा जाएगा। गणेश की विफलता मेरी विफलता होगी। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। माता ने ये युद्ध की कैसी अवस्था रख दी? सामर्थ्य और बुद्धि का प्रयोग कल्याण के लिए किया जाता है, ना कि विनाश के लिए। भंडासुर, उनकी परीक्षा केवल उन्हें बढ़ चढ़ कर बताने से नहीं, अभी तो अवसर आने पर उसके उचित प्रयोग से होती है। और उसका ज्ञान तुम्हें अभी इसी युद्ध में हो जाएगा। ज्ञात हो जाएगा तुम कि तुम क्या, मैं क्या, और ज्ञात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज्य गणेश। माता ने मुझ पर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया।
पुत्र गणेश, मेरे आदेश के अनुसार तुम अभी तक इस युद्ध भूमि से दूर थे और अब मेरे ही आदेश इस युद्ध में तुम मेरा साथ दोगे। अब हमारी देवी सेना में कोई भी देवी अपना अस्त्र तब तक नहीं उठाएगी जब तक तुम इस दुष्ट के अगले प्रहार का सत्व समझकर हमें उसका तोड़ नहीं बताते। और रही बात आशीर्वाद की, तो सबके अस्तित्व और शक्ति की स्रोत माता ही तो है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे में डूबकर भंडासुर ये भी भूल गए कि जहाँ मंगल मूर्ति गणेश वहीं मंगल शुभता है और ये दिव्य प्रकाश उनके आगमन से देवी सेना में उसी शुभता के विस्तार का प्रतीक है। माता के आशीर्वाद की शक्ति का ज्ञान तो अब तुम्हें भी होगा भंडासुर, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की एक ही संभव दशा है, दुर्दशा। तुम अब अपनी अंतिम पराजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। पराजय तो उसकी होती है प्रभु, जिसे कुछ खोने का भय हो, किंतु मैं तो अपनी विजय के लिए कोई भी मूल्य चुका सकता हूँ, जिसका प्रमाण तो आपको तभी प्राप्त हुआ था जब स्वयं अपने हाथों से अपनी प्रिय पुत्री के प्राण छीने थे मैंने। उस अचूक महाअसुरी महाअस्त्र के होने के कारण विजय के लिए मुझे इस सेना की कोई आवश्यकता नहीं। स्नेह रूपी अपनी दुर्बलता को पराजित कर अपनी जय का वो क्रम आरंभ किया जिसका अंत मेरे सामने खड़ी इस नारी की पराजय से ही होगा। अब ये युद्ध मैं नहीं, मेरा अस्त्र लड़ेगा और ये अस्त्र आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा।
महादानव रूपी क्या है ये अत्यंत भयानक पर्वत? भंडासुर संतकारी पर्वत का कैसा भयानक प्रयोग करेगा? अब ये मेरा महाआसुरी अस्त्र और मेरे पीछे स्थित इसकी शक्ति मेरी इच्छा अनुसार मेरे लिए युद्ध करने के लिए पर्याप्त है। महाआसुरी महास्त्र प्राप्त कर अपार आसुरी शक्ति का स्वामी बन गया है महासुर भंडासुर। मैं आप सबको पुनः एक अवसर दे रहा हूँ, तो विलंब किस बात का प्रमाणित कीजिए कि आप सबका कोई अस्तित्व है। विजय प्राप्ति के बाद मेरे साथ इस सृष्टि पर अनंत काल तक राज करने का अवसर प्राप्त कीजिए। हम तैयार हैं। देवी, अब मेरा अगला और भयंकर प्रहार सहने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाइए असुर सम्राट महिषासुर, प्रथम आक्रमण आपको ही करना होगा। एक नारी ने ही आपका अपमान कर आपका वध किया था ना? तो अब इस युद्ध भूमि में इस नारी को पराजित कर अपने उस पराजय का प्रतिशोध लीजिए। असुर के सभी असुर महायोद्धाओं का तो अंत हो चुका, तो फिर ये कौन? प्रभु, जब तक आप ये समझ पाएंगे कि ये सब कौन है, क्या है और मेरे इस अस्त्र का तत्व और तोड़ क्या है, तब तक ये अपने प्रहार में सफल हो चुका होगा। और वैसे भी आप पर तो मेरे अस्त्र का दूसरा ही प्रभाव होगा। भंडासुर ने एक साथ दो प्रहार किए हैं। एक और तो उसने माताओं को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए अपनी महिष सेना का आवाहन किया है, तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा का स्मरण कराकर उसने अनुज गणेश पर भी मानसिक प्रहार किया है।
कर करूंगा। कौन हो सकते हैं ये महेश? क्या हो सकता है इनका मूल तत्व और क्या है भंडासुर के इस प्रहार का तोड़? मुझे कुछ सोच क्यों नहीं रहा है? कहीं मुझे विलंब ना हो जाए। माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी? मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। किंतु ये अस्त्र क्या है? इसका तोड़ क्या है? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समता बनाए रखता है वो स्थिर बुद्धि है और ऐसा व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है।